दोस्तों ये हम पढ़ते हैं क्लास 12 के जो प्रश्न वाले 7.2 चल रहा है समाकलन, उसके आज आगे का क्वेश्चन करेंगे जो सब सिंपल और आसान भाषा में करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया है कह रहा है कि समाकलन x इंटू रूट अंडर x प्लस 2 dx, ये तो रूट में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आप रूट से डरिए नहीं, रूट से लड़िए, जानते हैं ना रूट को कैसे हटाया जाता है, हटा दीजिए। तो x इंटू रूट को हटाने का तरीका हमने बताया है x प्लस 2 1/2 से रूट हट जाता ना, ये तरीका हमने पहले भी सिखाया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको हल करना है ना, कीजिए हल। देखिए बहुत सिंपल है, आप इस अंदर वाले को जानते हैं, ऐसे सवालों में मान a इंटू बी के समाकलन का कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो इसमें क्या करना है, इसमें मान का बनाना पड़ता है लेट करता है। देखिए ये अंदर वाला है ना, इसको सबको टी मान लीजिए। टी मानने से फायदा क्या होगा, देखिए अगर लेट में टी मानते हैं ना तो यह x प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब इसको x कैसे कोई डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर dx दिया ना, यानी x है, तो देखिए dt बटा dx हो जाएगा, x कीजिएगा तो 1 n होता है, यानी dt बटा क्या हो जाएगा, dt बटा क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, यानी dt इजकल टू क्या हो जाएगा dx। आपका ये सर यहाँ पर dt dx के बराबर है, हाँ बराबर है, इसका मतलब ये वैल्यू भी आपस में क्या है बराबर ही है। अब देखिए अब जहाँ जहाँ dx होगा वहाँ पर लिखेंगे dt, समझ बात ना, चलिए रख दीजिए। अब रखिएगा तो देखिए समाकलन इसके जगह पर, अब कहिए सर यहाँ पर तो ये t हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हर है, अब यहाँ पर x से रहेगा, अब dx जगह पर हम dt लिख देंगे, यह x कहाँ गया हो, ये कहाँ गया x, अभी तो x, अभी x रहेगा यहाँ पर, तो क्या बताइए अगर x रहेगा तो बन पाएगा सब dt के सापेक्ष में, ये अभी तो t के सापेक्ष में रहना चाहिए, इसका भी इलाज है। देखिए कैसे इलाज है, सिंपल तरीका है, क्या कीजिएगा ना यहाँ पर x बराबर क्या निकल सकता है, आपको एक सर x बराबर निकाल सकते हैं हम, अगर x बराबर तो कहिए 2 को अंदर भेज दिए, यानी t माइनस 2 बराबर x ना हो जाएगा, यानी जहाँ x दिखेगा उसको t के रूप में कितना पुट कर देंगे, t माइनस 2 ना पुट कर देंगे, आइए देखते हैं, यानी यहाँ पर आपको हो जाएगा क्या हो जाएगा, t माइनस 2 हो जाएगा ना, आइए इंटू में तो इंटू बन ले दीजिए, अब जानते हैं कि इसे दोनों में गुणा कर दीजिए, दोनों से गुणा कोई दिक्कत नहीं, अब कीजिएगा ये गलत स्थिति की, यह टी वी टी है यह वी टी है, टी से टी में इसका पावर कुछ भी ना होता, क्या ऊपर गुणा के जब पावर जुट जाएगा, इससे गुणा के जब पावर जुट जाएगा कितना हो जाएगा, अब इसे गुणा के जब पावर जुटेगा तो आपको 3/2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, अभी टी से 2 में तब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2t इसके पावर 1/2, और डी टी है तो डी टी लगा दीजिए सबके लिए, क्यों डी टी से भी तो गुणा है ना। अब अलग अलग समाकलन कर दीजिए, अलग कीजिएगा तो यह दिखेगा टी के पावर 3/2 dt दिखेगा ना, सिंपल भाषा है कि भाई अलग अलग करते हैं तो कीजिए माइनस, यहाँ पर भी समाकलन 2 × 1/2 dt दिखेगा, दिखेगा ना। अब इसको कर दीजिए अलग अलग समाकलन, आ जाएगा आपका आंसर, देखिए कैसे बेचारा तो हो ही जाएगा टी के पावर 3/2 dt हो जाएगा ना बिल्कुल। अब माइनस है तो माइनस 2 कमन कर लीजिए, 2 अगर कमन करते हैं तो कितना मजा आएगा, टी के पावर 1 हो जाएगी 1/2 dt हो जाएगा ना, थोड़ा समाकलन बड़ा बन गया, सिंपल से कर दिए इसे। अब देखिए अब पावर वाला समाकलन तो बहुत सिंपल होता है, देखिए टी 3/2 इसमें जानते हैं पावर जुटता है तो नीचे भी पावर जुटेगा, ठीक है ना, डिफरेंशियल का उल्टा होता है आप जानते हैं, माइनस है तो माइनस, 2 कॉमन है तो कॉमन, इंटू इसको के टी के पावर 1/2 + 1 तो नीचे भी 1/2 + 1 हो जाएगा ना। सॉल्व कीजिए, ये सॉल्व कीजिए टी के पावर 3/2 + 1 यानी इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 1 यानी 5/2 नीचे भी आपको 5/2 हो जाएगा ना। चलिए माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 रन दे दीजिए, ये भी देखिए इसको भी इसे टी के पावर 3/2 तो नीचे भी 3/2 हो जाएगा, बटा में है तो प्लस देगा 2/5 टी के पावर 5/2 हो जाए ना हो जाएगा, माइनस तो माइनस रन दे दीजिए, अब ये भी बटा में इसको भी प्लस दी तो देखिए 2 जो ऊपर जाकर गुणा है तो 4/3 टी के पावर 3/2, देखिए हमारे हिसाब से तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन आंसर अगर क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में दिया ना तो आंसर भी एक्स के ही फॉर्म में पूछेगा, तो एक्स का मान रख दीजिए जहाँ जाती है, देखिए टी बराबर इनका मिला है एक्स प्लस 2 जहाँ रख दीजिए, 2/5 टी का वैल्यू मिला है कितना एक्स प्लस 2 इसका पावर मिला 5/2 रख दीजिए, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 4/3 टी का वैल्यू मिला है एक्स प्लस 2 इसके पावर 3/2 + 3 ये तो ये आसानी से झकास से आंसर हो जाएगा सुपर डुपर में। आइए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, बनते हैं अगला क्वेश्चन देखिए ना, तो इससे भी सिंपल है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन देखिएगा तो इससे भी सिंपल होगा। देखिए मैथ कहता है कि मैथ से डरिए मत, मैथ से लड़िए, मैथ से लड़िएगा तो आगे बढ़िएगा, क्योंकि डर के आगे क्या है, जीत है। आगे देखते हैं, अब आगे के क्वेश्चन को देखिएगा ना, आठ नंबर ये महा सिंपल है। इंटू एक्स समाकलन रूट अंडर वन प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए ये खाली हम लोग से ससुरा रोटी वाला पूछता है, कोई दिक्कत नहीं, हम रूट वाले से थोड़ी डरते हैं, रूट वाले को तो बाय बाय बोल देंगे सदा के लिए, कई दिन तक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी क्या कीजिए, रूट को हटाने का तरीका तो देखिए गो ना है, क्या है इंटू एक्स रूट अंडर रूट को हटाना है तो इसके पावर क्या कीजिए, तो कहिएगा वन प्लस टू इंटू एक्स के पावर वन बाई टू। डी एक्स है तो डी एक्स हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। अब क्या करते हैं, इसमें देखिए हमको भी एक्स को भी हटाना है, डी एक्स को छोटा करने के लिए, तो इस अंदर वाले को टी मान लीजिए, बड़े वाले को क्या चलता है, और जैसे टी मानेंगे बड़े वाले को लेट कर कर, तो समझिए फायदा में हो जाएंगे क्या, वन प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। डिफरेंटियल कीजिए क्यों, डी एक्स है तो डी एक्स से करेंगे तो डी टी बटा डी एक्स हो जाएगा, इसको वन का तो जीरो हो जाता है ना, तो बचेगा इसका, अगर इसका कीजिए इसका डिफरेंटियल कीजिए तो टू इंटू टू एक्स, सॉल्व कीजिए तो डी टी बटा डी एक्स पहले या फोर एक्स हो जाएगा। अब देखिए कर क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, डी टी बटा हो जाएगा फोर एक्स डी एक्स। देखिए हमको इधर डी एक्स भी मिला है, एक्स भी मिला है, तो ये फोर क्या करेगा, फोर को बटा कीजिए वन बाई फोर, यानी हो जाएगा डी टी ना हो जाएगा, अब बराबर आपको एक्स डी एक्स। अब फायदा में रहेंगे क्या, तो फायदा में देखिए, फायदा में भी हैं हम लोग, फायदा में यह है कि देखिए समाकलन है तो समाकलन, और जहाँ पर इतना रूट में दिखेगा उसके जगह पर क्या लिख देंगे, देखिए आपने क्या माना है, टी माना है, कर दीजिए। देखिए हमने यही इसको उस क्वेश्चन को यहाँ पर भी या में बदल कर हमने लिखा है, तो देखिए इसको पूरे को टोटल का हमने माना है टी, और इसके पावर वन बाई टू है तो उतना ही रहेगा। अब देखिए फायदा में हुआ क्या, इस एक्स और इस डी एक्स ये दोनों के बदौलत में हमने आंसर ला लिया है कितना, तो डी टी बटा फोर ला लिया, क्या लाया, डी टी बटा, तो इसके बदौलत में हम लिख सकते हैं डी टी बटा फोर में हो जाएगा, आई इंटू डी आपको डी टी बटा फोर हो जाएगा ना, किसके बदौलत में लिखे हैं, एक्स डी एक्स के बदौलत में हमने लिखा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फोर को कमन करेंगे, फोर को बेचारा कमन करेंगे तो हमारे वन बाई फोर कमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, टी के पावर वन बाई टू इंटू बचेगा डी टी, नहीं बचेगा, अरे इंटू में ऊपर डी टी ही ना बचेगा, वन बाई फोर कमन कर लिया हमने। अब यहाँ से फायदा होगा क्या, अब देखिए अब यहाँ से कर दीजिए, देखिए अब इसका समाकलन कीजिएगा टी के पावर वन बाई टू प्लस वन, तो यह भी वन बाई टू प्लस वन हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसको कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यह क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा ना, तो कितना वन बाई फोर, यह हो जाएगा टी के पावर कितना, आपको जैसे थ्री बाई टू, यह भी हो जाएगा थ्री बाई टू, हो जाएगा ना, बटा में है पलट जाएगा बेचारा, जाएगा ना, तो वन बाई फोर है तो यह हो जाएगा टू बाई थ्री, आई टी के पावर थ्री बाई टू, टू से फोर कट जाएगा दो बार में, क्या बचा आपने, आप कहिए सर बचा वन बाई सिक्स इंटू टी के पावर थ्री बाई टू, प्लस सी हो जाएगा, जबकि टी का मान तो रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में दिया था, आंसर भी एक्स के फॉर्म में पूछेगा, तो एक्स का वैल्यू हमने क्या टी बरा माना एक्स में के रूप में, तो आप कहिए सर ये तो हम माने क्या माने हैं, तो वन प्लस क्या माने हैं, तो वन प्लस क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, आप प्लस इसके पावर कितनी मिली है, आप कहिए सर थ्री बाई टू मिला हुआ है प्लस, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, चाहता आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अब आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, अगला भी क्वेश्चन इसके तरफ माहिर है बेचारा, वो भी सुपर डुपर में है। देखते हैं अगला नौ नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं ना, वो भी सिंपल है, आपको दिया है फोर एक्स प्लस टू दिया, घबराइए मत, रूट वाले से तो कभी मत घबराइए, क्योंकि रूट वाला तो बाय बाय हम लोग बोल ही देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आई डी एक्स तो डी एक्स घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, रूट वाले को साई बाय बाय बोलते रहेंगे। देखिए यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को या में आप रूट हटा कर लिख सकते हैं, कैसे, देखिए आप कह सकते हैं फोर एक्स प्लस टू, इसको हटाइएगा तो हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू वन बाई टू, क्योंकि हमने रूट हटा दिया है, नहीं हटा दिया। अब देखिए आप देखिएगा ना एक बार, चाहे तो इसमें से दोनों में से टू कॉमन भी कर सकते हैं ना, चलिए हम कॉमन, चाहे तो इसको मैं ऐसे लिख, इस सवाल को ऐसे लिख सकते थे, दोनों में से चाहे तो टू कॉमन, यानी आपको टू एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते थे,
लिख सकते हैं ना। अब फायदा होगा, देखिए इस वाला का डिफरेंटियल कीजिएगा ना अंदर वाला का, तो बेचारा ये आ जाएगा, ये सवाल और छोटा हो जाएगा। देखिए x के करेंगे तो 2x आ जाएगा, x के करेंगे तो 1, एक तो 0 हो जाता है। यानी इसमें जो लेट मानेंगे ना, वो लेट मानेंगे इसमें, इस बार मानेंगे x बराबर एच स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मानेंगे। अब कीजिएगा जैसे यहाँ पर आप t बराबर माने हैं कीजिए तो dt बटा dx, ये बेचारा 2x हो जाएगा या 1 हो जाएगा, एक का तो 0 हो जाता है ना डिफरेंटियल। अब देखिए dt बटा 2x प्लस 1 इंटू ये गुणा हो जाएगा, नहीं आपको हो जाएगा dx हो जाएगा। अब जहाँ इतना दिखेगा उतने के जगह पर हम का पुट कर देंगे, dt पुट कर दीजिए। आइए देखते हैं, समाकलन है तो समाकलन 2 है तो 2, अब इतना को हमने मान लिया है t, तो कोई बात नहीं इसके बदौलत में हम रख देते हैं t, और पावर है 1/2 तो 1/2 इंटू में 2 है तो आप देखिए। अब बेचारा इसका और इसके बदौलत में हमने ला लिया है dt, और देखिए 2 है तो 2 हमने लिखा है, इन दोनों के इसके और इसके बदौलत में हमने का लाया है तो dt, तो इसके बदौलत में dt लिख देंगे। देखिए सबका सबका t का सापेक्ष हो गया, अब यहाँ से 2 कॉमन कर दीजिए, dt 1/2 dt हो जाएगा। अब इसको पावर को कीजिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू टी के पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1, सर्व कीजिए 2 इंटू टी के पावर हो जाएगा 3/2 बटा 3/2 हो जाएगा, बटा में है पलट जाएगा, कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू ऊपर 2 बटा 3 हो जाएगा, टी के पावर 3/2 गुणा 4/3, और टी का मार रख दीजिए, टी के मार एक्स के रूप में पूछेगा ना, क्योंकि एक्स के रूप में क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन जब एक्स के क्रम में दिया तो आंसर भी एक्स के क्रम में पूछेगा। तो टी बराबर तो हमने पहले से मान रखा है, क्या मान रखा है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आ इसके पावर तो 3/2 है टी के पावर प्लस ई है तो सी, यही आपका राइट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे। जय हिंद जय भारत।